नेक्स्ट कॉलर हैं गुड़गांव से सुमन, स्वागत है सुमन जी। हाँ जी नमस्कार मैडम जी। नमस्कार जी मैडम, मैंने पहले भी बात की थी, दरअसल मुझे लगता है आपको समझा नहीं पाई अपनी बीमारी के बारे में। चलिए अब बताइए। हाँ जी, तो मैम मैंने ना पैरों के लिए पूछा था, पैरों में ब्लड क्लॉटिंग है और मतलब वेन्स में जैसे ब्लड जम जाता है ना, सारे पैर काले पड़े हुए हैं, अंदर नसों की प्रॉब्लम भी है, जैसे नसों में गुच्छा बना हुआ होता है। तो मैडम मैंने व्हाट्सएप पे फोटो भी भेजा था दो बार और पूछा था डॉक्टर से कि भाई शेयर कर ले, तो उन्होंने भी अभी तक कुछ जवाब नहीं दिया। तो इसका कोई इलाज है मैडम, और अगर क्या ये दबे जा सकते हैं? और मैंने फिर लिखा भी था, जो उन्होंने कई बार कॉल की थी जी, उन्होंने बताया था ये अश्वगंध, उन्नाव, हल्दी, सरंजान और कालागौंद। तो मैडम क्या हम ये ले सकते हैं? अगर ले सकते हैं तो ये जो सरंजान है, नहीं सॉरी है, हमने ये मंगवा लिया है, तो उसमें बेर की तरह गुठली होती है, तो क्या गुठली निकालनी है या कैसे पीसना है? और मेरा एक दूसरा सवाल है, मेरी ननद है, उनकी आयु है 55, तो मैडम उनको एक तो ज्यादा नींद नहीं आती बिल्कुल भी, पैरों में दर्द बहुत ज्यादा होता है पूरी रात, और उनको दर्द भी होता है पैरों में मतलब बहुत सालों से। तो ये दो सवाल है मेरे। ठीक है, देखिए कितनी अच्छी भाभी हैं, बिल्कुल नंद का भी साथ में सवाल कर लिया। अच्छा देखिए, आप बहुत समझदार हैं और ये सब दवाइयाँ आपके पास आ गई हैं, पाउडर बनाइए और एक एक ग्राम तीनों टाइम लीजिए, पानी के साथ, बगैर चर्बी के दूध के साथ, या शुगर वगैरह नहीं जूस से भी कभी कभी ले सकते हैं, या कभी पानी कभी जूस कभी दूध, गौंसिया इसमें मिला हुआ है, एक एक ग्राम मतलब एक बड़ा कैप्सूल होता है ना इतना, और 5-10 दिन सबर करें, ठीक है? और मेरा जवाब को आप आखिरी जवाब समझें, ठीक है? अलसी भून कर रख लीजिए, 200-400 ग्राम अलसी भून कर रख लीजिए, और हल्का सा भूनना, बहुत ज़्यादा नहीं कि खाने में आसानी हो जाए। फिर इसको या तो चबा के खा लें एक एक चम्मच सुबह शाम, या पाउडर बना के रख लें तो वैसे खा लिया करें, पानी के साथ, गर्म पानी बेहतर है आपके लिए। तो ये निशान भी जाने चाहिए, और नसों को मैं फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करती हैं तीन चीज़ें। देखिए मैं जो भी चीज़ बताता हूँ वो ऐसे ही नहीं बताता, वो तजर्बे की चीज़ होती है। विटामिन ई और ऐसी चीज़ें जो अखरोट, अलसी या फिश, ये तीन चीज़ें, कोई भी चीज़ आपको अच्छी लगे वो आप खूब कसरत से खाएं। मैंने आपको अलसी बताई क्योंकि मैं सोचता हूँ मेरे साथ गरीब लोग जुड़े हुए हैं, तो अलसी इसलिए बताता हूँ। अगर कोई ऐसा लगता है कोई रईस है तो अखरोट बताऊँ, और कोई ऐसा लगे कि मांसाहारी है तो मैं कहूँ मछली, इन सब में बेहतरीन है, मछली कसरत से खाएं, ये आपके सब ठीक हो सकता है। सब्र करना, 5-6 महीने इंतज़ार करें, रोज़ाना ज़रा सा फ़ायदा की उम्मीद रखें, और ये निशान भी जाएंगे, काले निशान चले जाते हैं, मेरे तजर्बे में ऐसा आया, इसलिए मैं आपको ये बताया कि वो सब लीजिए और अलसी खाया करिए एक एक चम्मच सुबह शाम, गर्म पानी पिया करें तो बहुत अच्छा। जी ननंद के लिए उन्होंने पूछा है, पैरों में दर्द रहता है जिसकी वजह से सोना। हाँ, माफ़ कीजिए आपकी ननंद को मैं भूल गया था। तो जो नुस्खा आप खा रहे हैं सुरंजान और ये गौंसिया वाला, अपनी ननंद से भी बंटवारा कर लें, या और मंगा के उनको समझा दें, उनको भी इसी तरह लेना है, उनको फ़ायदा मुमकिन है।